दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा रहे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हे गाइस, दिस इज़ मी हसीब एंड यू वाचिंग टेक बार। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अपनी वीडियोस के कॉर्नर में सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, या फिर आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि उन्होंने साइड पर कॉर्नर पे अपना ट्रांसपेरेंट लोगो लगाया होता है या फिर सब्सक्राइब बटन लगाया होता है। अब जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को चैनल के सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब कैसे करेंगे मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को साइड पर ऊपर की तरफ तीन डॉट्स का ऑप्शन मिल रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपका जो मोबाइल का क्रोम है वो पीसी क्रोम की तरह चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने चैनल का जो लोगो देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए और क्रिएटर स्टूडियो पर आ जाइए। तो यहाँ पर अपना क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लीजिए। तो अपना क्रिएटर स्टूडियो आपका ओपन हो चुका है। इसे ओपन करने के बाद साइड पर आप लोगों को चैनल का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए तो आप लोग एक और नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर पहुंचने के बाद आप नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रांडिंग का ऑप्शन फोर्थ नंबर पर नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएँगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग वाटरमार्क का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मेरे पहले से ही लगा हुआ है लेकिन आप लोगों के यहाँ लिखा होगा ऐड वाटरमार्क, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल कर लेनी है। मैं नीचे डाउनलोड लिंक दे दूँगा, वहाँ से सब्सक्राइब बटन भी कर सकते हैं या फिर अपने चैनल का ट्रांसपेरेंट लोगो भी वहाँ पर लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टाइमिंग नज़र आ रही है, आप इसे सेट भी कर सकते हैं। यहाँ ये टाइमिंग वो है जो वीडियो स्टार्ट होने के बाद आपका जो ब्रांडिंग लोगो है कब स्टार्ट होगा। आप 5 सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी सेकंड से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसे सेव कर लीजिए या फिर यहाँ पर आप मेरे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से अपडेट भी कर सकता हूँ। आप साइड पर कॉर्नर पर देख सकते हैं सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी तरह आपकी वीडियोज़ में भी नज़र आएगा और जो भी उस पर क्लिक करेगा वहाँ पर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।